नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का ये खास एपिसोड हम ढाबा नाम के गांव से कर रहे हैं। और ये डिंडोरी ज़िला है, समनापुर तहसील है मध्य प्रदेश की। मेरे साथ लल्लू हैं, ये बैगा आदिवासी समुदाय से हैं। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हैं और ये उनकी छोटी सी पोती है, बेटे की बेटी है। तो लल्लू जी देखिए थोड़ा हमारी तरफ, ऐसे मत करिए। तो आज क्या पकाने वाले हैं? या मुर्गा, देसी मुर्गा। देसी मुर्गा, और क्या खास बात है आज के देसी मुर्गा में? देसी मुर्गा में महुआ के दारू मिला के बनाएंगे। देसी मुर्गा में महुआ की दारू मिला के बनाएंगे? महुआ के दारू मिला के बनाएंगे। तो आपने रेड वाइन, व्हाइट वाइन के साथ चिकन पकता हुआ देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर डिंडोरी के जंगल में बैगा आदिवासियों के साथ हम लोग बनाएंगे देसी मुर्गा महुआ दारू के साथ, देसी महुआ दारू के साथ, हैंडमेड महुआ वाइन के साथ। तो चला दें पतीला। लीजिए साहब, पतीला चढ़ चुका है। अब क्या करना है, आप फटाफट करते जाइए क्योंकि सूरज डूबने वाला है। डूबने वाले है। अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा। हाँ। तेल डाला। तो ये सरसों का तेल है? हाँ, सरसों का तेल। बहुत बढ़िया, सही है। थोड़ा आग जला दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो आपने पहले कभी देसी मुर्गा महुआ के साथ बनाया है? बना है। कब बनाए थे? पर के साल बनाए। अच्छा, पिछले साल। पिछले साल। तो बैगा आदिवासियों में तो महुआ के साथ बनता नहीं, आपने किसके लिए बनाया था? साफ देने के लिए बनाया था। अच्छा, साहब लोगों के लिए। कहाँ से आए थे साहब? समनापुर से। समनापुर से। अच्छा, क्या करते हैं साहब? पिछले आए थे ऐसे पिकनिक बनाए ले आ रहा है। अच्छा, पिकनिक मनाने के लिए आए थे। तो आपको बोला देसी मुर्गा बना के खिला दो। बकरा काट रहा है। बकरा? अरे वाह। तो बकरा अपने गांव ने दौड़ के ला दे रहा ना। अच्छा अच्छा, तो फिर बकरा आपने महुआ के साथ बनाया। चलिए, क्या डालेंगे अब इसमें? लहसुन। लहसुन, लहसुन। आज ये जो देसी मुर्गा बन रहा है, बिल्कुल जंगल के भीतर, चारों तरफ जंगल है, पीछे ही हमारे एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें एकदम ठंडा पानी, सर्दी का मौसम है लेकिन दिन में अच्छी धूप रहती है तो बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ बन जाता है। और साबुत लहसुन ही डाल दिया, भुन गया मुझे लग रहा है लहसुन, देखिए लाल हो गया है, है ना। तो प्याज डालेंगे अब। हैं प्याज डालेंगे। तो पहले तो बैगा आदिवासियों के खाने में लहसुन प्याज इतना इस्तेमाल नहीं होता था ना? पहले नहीं खाए, तेल ज़्यादा। अच्छा, अब खा रहे हैं। अब खाने लगे हैं। खाने लगे हैं। जो लोग पिकनिक करने आते हैं वो सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं। तेल खाना दे दीजिए। आज बर्तन के नाम पे एक एल्युमिनियम का पतीला, एक छोटा पतीला, उसके अलावा औजार के नाम पे हमारे पास एक कुल्हाड़ी थी, उसी से प्याज काटा गया। उसी से काटे हैं। जय डाला वाला, जय डाला। अच्छा, कौन सा डालना? मिर्ची डालनी है? लाइए मैं डाल देता। मिर्ची नहीं डाला ना, पानी में घोल के। अच्छा, पानी में घोल के डालेंगे। तो पानी में घोलिए, पानी कहाँ है? लीजिए, नदी से पानी लेने गए हैं। कोई हैंडपम्प का पानी नहीं, कोई बोतल का पानी नहीं, मिनरल वाटर। जो सीधा देखे वो देखे, पीछे से पानी लेके आ गए। किसी चीज़ की कमी नहीं है जंगल में। लीजिए, ज्यादा है। अच्छा, पत्ते पे ही घोलेंगे और पतीले में डाल दूँ? डाल दें, मसाला डालें। ये सब डाल दें? तो सारा मसाला, मसाले के नाम पे हल्दी, धनिया, मिर्ची, बस इतना ही है। तो इसको पानी में घोल लिया है, अच्छे से चमचे से घोल दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। लीजिए, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, तेल डाल दे, डाल दे। हाँ, डाल दे। ये लीजिए साहब, क्या बात है, अरे वाह, कमाल की खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पानी चला रखा है। आज दो भाई और एक बुजुर्ग पिता और उनकी पोती, लीजिए
छोड़ के ऐसा पानी कर जाए। आज तीन पीढ़ियां, ये देखिए इनके बेटे हैं लल्लू, लल्लू के बेटे की बेटी हैं ये, यानी के इसका क्या नाम है? एक नाम है। लीजिए साहब, नतनी का नाम ही लल्लू सिंह भूल गए हैं। और इनके परदादा हैं बरिया जी, बरिया ही है ना आपका नाम? बरिया नाम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी बैगा आदिवासी समुदाय में शादी ब्याह थोड़ी कम एज में ही हो जाता है। वाह, मसाला भुन जाए तो उसके बाद पानी डालना है इसमें भी। आग तेज है, बहुत बढ़िया। तो आज बिल्कुल देसी अंदाज में बैगा आदिवासियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि बैगा आदिवासी को PVTG की श्रेणी में रखा गया है। एक वक्त में जिनको आदिम जनजातियां कहा जाता था, आजकल विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। वाह, मुझे लगता है मसाला भुन गया दादा। मसाला डालो, मुर्गा डालो, मुर्गा डालो। रंग आया जे देखिए, बहुत ही खूबसूरत रंग मसाले का है, बिल्कुल तेल अलग हो चुका है। खैर मसाला क्या है? हाथ मासी डालो, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया, बस ये लीजिए साहब। ये देसी मुर्गा बिल्कुल जंगल में पला हुआ। वाह, कुल्हाड़ी से काटा गया है इस मुर्गे को, तो इसको आप देखेंगे कि कोई बहुत जिसे नाइसली चॉप्ड आप बोलते हैं वो उतना आपको अच्छे से कटा हुआ नहीं दिखेगा ये, लेकिन इसकी खुशबू, क्योंकि ये जंगल में पला हुआ मुर्गा है, एक तो एकदम स्लिम है। नमक कितना कर दें? नमक डालना है? नमक डालनी है। ये डाल दूँ सारा? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगा, कमी है तो डाल दे। डाल पूरा डाल दूँ? डाल, पूरा डाल दो। ये लीजिए, वाह। और महुआ कब डालेंगे इसमें? महुआ लाए हो? मैं भी डाल बना। अच्छा, थोड़ा सा डालना। अच्छा हाँ, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो ये नाती है, नहीं तो मत जाए। इसको खाना है तो पता चला खा के सो जाएगी। थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे टेस्ट के लिए। ज़्यादा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। ना कसना मुझे, नहीं तो भी जब आप तो कर रहा तब तो मुश्किल होगा आपके लिए। थोड़ा ज्यादा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। ज्यादा जो दादा हैं वो दारू नहीं पीते, वो कह रहे हैं इनको के महुआ मत डालिए इसमें। देखिए बन गया है क्या? और भुने, थोड़ा और, थोड़ा और भुन जाए, थोड़ा और भुन जाए ना, मज़ा आएगा। आज मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप जैसे जैसे बताते रहेंगे। वाह दिखाइए, अरे वाह देखिए, एकदम ताज़ा खेत से लाया हुआ हरा धनिया। ओहो, इसकी खुशबू, वाह बहुत ही बढ़िया। देखिए रंग भी, रंग देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एकदम देसी। इसके पत्ते देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिल्कुल देसी धनिया है ये। लीजिए, काट लीजिए इसको, काट। देखिए पानी डालेंगे या महुआ डालेंगे अब इसमें? थोड़ा सी महुआ डालेंगे, थोड़ा सा महुआ डालेंगे। दीजिए लाइए, बताइएगा मुझे, हाँ ज़्यादा ना हो जाए? हाँ थोड़ा सी डालना है, अपने घर की है। घर की है, दूसरा घर ले। हाँ बस है, बस। वाह वाह, आज देसी महुआ में पका हुआ देसी मुर्गा। देसी मुर्गा हमने बहुत बार बनाया है, लेकिन घर की बनी हुई देसी महुआ में पहली बार देसी मुर्गा बन रहा है। इसका स्वाद कैसा बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो स्वादिष्ट हुआ तो मैं फिर आपको कहूंगा कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपके इलाके में कहीं पर महुआ की देसी दारू मिलती है किसी भरोसेमंद आदमी से। वाह, इसमें से एक बहुत मीठी सी महुआ की खुशबू आने लगी है। महुआ का एक बहुत खूबसूरत सा आफ्टर टेस्ट होता है और बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा इरादा शराब को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जब दुनिया भर के ब्रांड शराबों की दुकान पर बिकते हैं तो फिर आदिवासियों की महुआ क्यों नहीं। क्या बात है, हाथ से तोड़ के जो जाने माने शेफ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हाथ से तोड़ के धनिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लल्लू जी भी कर रहे हैं, बना रहे हैं। वाह, लाइए इस पे रखे, इस पे तोड़िए, जरा दिखे लोगों को, दिखे। हाँ, तब दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी तो जो दिखेगा तभी तो बिकेगा, है ना। तो बिकेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो इसको कब डालना है? डाल दे, अभी डाल दो। वाह, ढेर सारा हरा धनिया। ये देखिए साहब, महुआ की खुशबू और हरे धनिया की खुशबू, इसे आप क्या कहेंगे, इसे विशुद्ध आनंद जिसे आप कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली होंगे तभी आपको इस तरह का माहौल और इस तरह का खाना नसीब हो सकता है। पूरी फिज़ा में महुआ और ताज़ा हरे धनिये की खुशबू घुल गई है और बहुत मज़ा आने लगा है। अब इसको ढकने के लिए तो कुछ है नहीं, पत्ते से ही ढक दें। हाँ, ढक लीजिए साहब, आज सब कुछ ठीक है। ये लीजिए साहब, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे बहुत खुशबू आ रही है। कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। असलम, जब आपने पहले बना के खिलाया था महुआ का तो क्या बोला था लोग? अरे अच्छी, बहुत खुशी है मेरी, बहुत खुश हुए। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। देखना, बता दीजिएगा। बस अच्छा, इसके साथ क्या खाएंगे? इसके साथ में भात खाएंगे। कौन सा वाला? कोदो के भात। अच्छा, कोदो भात। कोदो भात। तो कोदो जो है एक मिलेट होता है, दिखाएंगे थोड़ा सा, है क्या यहाँ पे? अरे वाह, दिखाइए, ये देखिए। तो ये है कोदो भात, ये एक तरह का मिलेट है, बारीक अनाज है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन के लिए बहुत ही ये अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। और इस इलाके में बैगा आदिवासी कोदो और कुटकी दोनों पैदा करते हैं। बस इसमें समस्या ये है कि ये मिट्टी की चाकी से इसको करते हैं, दला जाता है और इसको कूटा जाता है, तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत। इसलिए ये सिर्फ अपने परिवार के लिए ही इसको पैदा करते हैं। अभी तक इस इलाके में कोई मशीनरी नहीं आई है जो कोदो को साफ कर सके। लीजिए, इसको रख लीजिए, ढक दे, ढक दे इसको। हाँ, ढक दे। हाँ, अच्छा उबाल आ गया है। हाँ, जल्दी जल्दी पक जाएगा, पक जाएगा ढकने से। हाँ, बहुत बढ़िया, सब देसी जुगाड़ जंगल का। वाह, ये बात अब कहीं नहीं जाएगा। ये तो ये क्या कर रहे हैं आप, पत्थर से? पत्थर से अब इसमें चूल्हा बनाएंगे या कोदो के? अच्छा, कोदो भी तो पकाना है ना? भी तो पकाना है। अच्छा, चलिए चलिए बनाइए चूल्हा फिर। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ बना देंगे? इसी के साथ बनाएंगे। अच्छा, इसी चूल्हे को एक्सटेंड कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। वाह, तो उसी चूल्हे में एक और पत्थर जोड़ के एक्सटेंड कर देंगे, इसी पे एक और पतीला चढ़ जाएगा जिसमें कोदो भात पकाया जाएगा। लकड़ी कफार कर, लकड़ी इधर। अच्छा, ये लीजिए साहब, ले आता एक और चूल्हा तैयार। तो यहाँ ही मंडा,
बहुत बढ़िया। आधी लकड़ी उधर आधी इधर, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे आओ हैं। देखिए शोले फिल्म, तब तो तुम्हारा बराबर। फेवरेट एक्टर कौन है, सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है फिल्म फिल्म हीरो कौन पसंद है तुम्हें? शाहरुख खान? शाहरुख खान के बारे में नहीं जानते हो? लीजिए सर, होंगे आप कहीं के सुपरस्टार, बैगा आदिवासियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने हीरो हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, जंगल में घूमते हैं, जंगल में रहते हैं, सादा खाते हैं और सुखी जीवन बिताते हैं, ऐसा ना? अपना म्यूजिक है, अपना नाचना गाना है, अपने रीति रिवाज है, रीति रिवाज अपने बिल्कुल, और थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के लिए कभी कभी हाट बाजार जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें तो टाइम लगेगा, इसमें गर्म पानी डालेंगे, इतनी सारी महुआ रखी हुई है, पत्ता भी रखा हुआ है, छेका बना के थोड़ा लगाई जाए और क्या, लीजिए बनाइए छेका अच्छे से, थोड़ा ले भाई, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मोती सिंह बनाइए छेका, मैं भी दीजिए और खुद भी लीजिए, उसमें डाल लो तब ढंग बनेगा। बोतल में खाली बोतल है वही? अरे वाह, लीजिए डालो। महुआ इतनी सारी रखी हुई है, सोने इसका आनंद लिया जाए जब तक के चिकन पके। हाँ पक गए अब तो छेका बना के, इसको बोलते हैं छेका बनाना, छेका बनाना ऐसे हम बोलते हैं, छाका बनाना, छाका सॉरी छाका। सरकार तो दारू बंद करते हैं, अब तो पीथन बैगा जात पीथन। अच्छा सरकार बंद करत है तो सरकार बंद करते नहीं। अरे मऊ दारू मत पियो मत बनाओ कह के, लेकिन आप बनाते हैं? आप बनाते हैं, हमारे देवी देवता लचुहाता है, जंगल का करके भूत। अच्छा, सब देवी देवता भूत प्रेत सबको चुहाते हैं। सिर्फ खुद नहीं पीते हैं, देवी देवताओं भूत प्रेतों सबको महुआ चुहाई जाती है, यानी कि पिलाई जाती है, और उन्हीं भूत प्रेत में से एक मैं भी हूँ। लाइए, वाह, जीते रहो मोती। सेवा। इसकी खुशबू और इसका जो एक आफ्टर टेस्ट रहता है बहुत ही कमाल का है। एक इसके स्वाद को मैं कैसे आपको डिफाइन करूं, हल्की सी मिठास रहती है, और क्योंकि जाहिर है अल्कोहल है, हल्का सा छूता हुआ आपके गले को निकलता है, बहुत ही कमाल की फीलिंग देता है, और इसका जो नशा है उसकी एक खास बात यह है कि बाकी शराब की तरह ये आपको आक्रामक नहीं बनाता है, ये आपको शांत करता है, ये आपको रोमांटिक बनाता है, अच्छी अच्छे ख्याल आपको आते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, बाकी लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन जो मैंने देखा है आदिवासी इलाकों में। वाह बहुत बढ़िया। मोती तुम नहीं पियोगे? पी लेंगे ठीक है, अब मैं और नहीं पीऊँगा यार, नहीं तो फिर अभी कैमरे में बोलना है ना, फिर मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी है ना, नशा लग जाएगा, लड़खड़ा लगेगा, लड़खड़ा नहीं लगता है जबान, आदमी भी थोड़ा सा झूम जाता है ना, झूम जाता है। क्या मोती ठीक कहा मैंने? ठीक है, चलिए लगाइए, चीयर्स।
मोती जी कैसे तैयार है? खाना तैयार है, तैयार है, खिलाइए खिलाइए। अब टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलिए टाइम हो गया बिल्कुल। हाँ हाँ टाइम हो गया है, आपको भी भूख लगी होगी? भूख लगी है सभी लोग को, सारा दिन से काम कर रहे हैं, जंगल में घूमे हैं। बस मुझे और मत दीजिएगा, बस बस और मत दीजिए, बस बस बहुत है। अरे एक चम्मच हो बस, इतना काफी, अब जरूरत होगी तो बाद में ले लेंगे। हाँ हाँ है ना, मुर्गे का एक, हाँ थोड़ा सा एक टुकड़ा दे दीजिए, बस बस बस। एक पिंडरी है, पिंडरी से एक होगा, पिंडरी से निमार के। हाँ थोड़ा ग्रेवी दे दीजिए, ग्रेवी थोड़ा सा डाल दीजिए, रस थोड़ा डाल दीजिए, रस। वाह बहुत बढ़िया, दीजिए लल्लू जी को दीजिए, अपने पापा को भी देंगे। अच्छा पानी लाएं, रख दीजिए, रख दीजिए इधर, रख दीजिए नहीं रख दे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जंगल में देसी मुर्गा, देसी महुआ में पका हुआ, बहुत ही कम मसाले नाम मात्र के इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और कोदो भात के साथ इसको हमें परोसा गया है। इसका स्वाद चखते हैं और आपको बताते हैं। कोदो के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ही पौष्टिक अन्न है और इसको खास विधि से पीसा जाता है, मिट्टी की चक्की, पत्थर की चक्की से इसको नहीं पीसा जा सकता है। वाह इसमें जो पानी भी इस्तेमाल हुआ है वो पास की नदी का पानी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल हल्का। इसका स्वाद कैसा बना है अगर मैं आपको बताऊं, महुआ क्योंकि इसमें डाली गई तो हल्की सी मिठास है, बिल्कुल हल्के हल्के मसालों का अरोमा है। शुरुआत में बहुत अच्छे से मसाले भुने गए थे। कोदो जो होता है वो गोल होता है, आपने देखा ही कितना बारीक अन्न है, और उसको जब बॉयल आ जाता है तो उसका पानी निकाल दिया जाता है और फिर पत्ते से ढक के आग बिल्कुल कम कर दी जाती है और स्टीम में उसको पकने दिया जाता है, और परफेक्शन से पका होता है, ना ज़्यादा नरम होता है ना ज़्यादा सख्त होता है। इसके टेक्सचर को आप महसूस कर सकते हैं जब आप इसको खाते हैं, बल्कि जब आप हाथ से इसको मिक्स करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और देसी मुर्गा जंगल में पला हुआ, बहुत अच्छे से इसको भुना गया पहले आग में, फिर इसको बनाया गया है। लल्लू जी खाइए प्लीज, खाइए, बहुत ही मज़ेदार। वो तो आप भी खाइए ना यार, खाइए खाइए, लीजिए, बच्चे को दिया? हाँ दिया। हाँ खा खा, खाएंगे अपन। टोपी वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैमरे के पीछे खड़ा है, इसकी यही सजा है। पुराने पिछले जन्म में इसने मुझे भूखा रखा था, इस जन्म में मैं इसको भूखा रखता हूँ, इसको सबसे लास्ट में खाना मिलता है। हाँ खाइए खाइए प्लीज आप।